नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर के डीएसपी साहिल अरोड़ा द्वारा नई तकनीक द्वारा बिना हेलमेट पहने लोगों के चालान किए गए। साहिल अरोड़ा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया प्रोसेस शुरू किया गया है, अब मोबाइल से ही चालान किए जाएंगे। नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर के डीएसपी साहिल अरोड़ा द्वारा नई तकनीक द्वारा बिना हेलमेट पहने लोगों के चालान किए गए। साहिल अरोड़ा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया प्रोसेस शुरू किया गया है, अब मोबाइल से ही चालान किए जाएंगे, जो कि पहले पेपर चालान होते थे, अब पेपरलेस चालान होंगे और मौके पर ही सारी डिटेल को लेकर मौके पर ही मोबाइल पर निपटा दिया जाएगा। अब ई चालान हो गया है, सब कुछ रिकॉर्ड में आ जाएगा, अब बचना बहुत मुश्किल हो गया है। कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जितने भी रूप हैं उनकी पालना की जाए, पालना न करने पर चालान किया जाएगा। लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है, समय समय पर रोड सेफ्टी क्लब की बैठक लेते रहते हैं। ये हमारा नया प्रोसेस है जिसके तहत चालान किए जा रहे हैं। अगर बार बार कोई चालान होगा तो इनका जुर्माना बढ़ता रहेगा। देखिए, नमी एक प्रोसेस शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसमें ई चालान जो कि अब आजकल किए जा रहे हैं, जो कि मोबाइल के थ्रू पहले पेपर चालान होते थे, पेपरलेस ई चालान किए जाते हैं। मौके पर ही उसकी सारी डिटेल लेके मौके पर ही उसको मोबाइल पर रिसेप्ट आ जाती है। लोगों से अपील है कि अब ई चालान हो गया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, बचना बहुत मुश्किल हो गया है। कार्रवाई सबसे सख्त से सख्त हो रही है, तो कृपया जो मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जितने भी रूल हैं इनकी जो कि कठिन तरीके से पालना की जाए, पालना ना करने पर जो कि चालान आवश्यक है। देखिए, इसमें दो तरह की हम पॉलिसीज करते हैं। एक तो हम समय समय पर अपने रोड सेफ्टी क्लब की मीटिंग लेते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, रोड्स पे भी लोगों को जागरूक करते हैं, और दूसरा हमारा प्रोसेस होता है कि लोगों का जो भी वॉयलेटर्स है उनका चालान किया जाए। तो दोनों प्रोसेस एक साथ साथ चलते रहते हैं। ये हमारा एक नया प्रोसेस है जिसमें लोगों के चालान किए जा रहे हैं, और अगर बार बार कोई चालान इसमें किए जाएंगे तो उनका फाइन जो है बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद है कि इससे जो कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।